मेरा नाम महावीर सिंह सैनी, मैं सब्जी आड़ती वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सब्जी मंडी मझला मुरादाबाद का। क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मंडी में पानी निकासी की है। अभी 3-4 महीने पहले शासन से लगभग 4.25 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था और तब से आज तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में दुकानों में पानी भरने के कगार पे है और आज की बारिश से कम 200 लाख रुपए का इस मंडी में किसान और आड़ती एवं व्यापारियों का नुकसान हुआ है। ये कमी मंडी प्रशासन की मानते हैं, जो मंडी प्रशासन है अगर पहले से इस बात का ध्यान देखे, मंडी में अगर काम कराया जाता तो हो सकता था पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाती। सारे सभी लोगों को परेशानी है, मेन सड़क छोड़कर जो बीच वाली रोड है, दाएं बाएं वाले को सबको परेशानी है। कारोबार पे बहुत बड़ा असर है, सबकी सब्जी डूब गई मंडी में, कुछ की सब्जी पानी में बह भी गई, लोगों का आलू प्याज भीग गया। क्या चाहते हैं आप? हम मंडी में पानी निकालने की व्यवस्था सुचारू रूप से चाहते हैं। आपने कहीं शिकायत की? हाँ, पहले शिकायत की गई है, आश्वासन दिया गया था बोले बरसात से पहले हो जाएगा। अभी किसी से शिकायत नहीं गई, मौखिक शिकायत की है, मंडी सचिव को टेलीफोन कराया, मंडी इंस्पेक्टर को टेलीफोन कराया। मोहम्मद अली, ये मुरादाबाद मझोला मंडी है और हम यहाँ सन 2006 से कारोबार कर रहे हैं। मंडी को भरपूर अच्छा टैक्स हम पे करते हैं, लेकिन हमारी दुकानों से लेकर और फल से लेकर ये हालात है कि आज हजारों रुपए का आलू, लाखों रुपए के रेंज का आलू है जो भीग गया और पैकार यहाँ इतना परेशान है कि निकल नहीं पा रहा पानी से, कट्टे लेके रिक्शे वाले तमाम। जब 3 करोड़ रुपए मंडी परिषद से माननीय डायरेक्टर महोदय जी ने पास किए थे, सैंक्शन हुआ था पैसा, तो पैसा मैं मालूम करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि निर्माण विभाग ने डाला कहाँ है। ये तो बता रहा है कि मंडी का पानी निकालने के लिए तालाब बना रहा, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी मंडी को ही तालाब बना के छोड़ दिया इन्होंने। आज आप मंडी मीडिया के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मंडी का पूरी का सर्वे करें और देखें मंडी किस हालत में। ये सब्जी जो आज यहाँ नालों में पैर रही है, गंदे पानी में पैर रही है, ये सब्जी अगर शहर के अंदर जाएगी और इसे लोग खाएंगे तो क्या इससे बीमारी नहीं फैलेगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हम तमाम लोगों ने, हमारे यहाँ भी मंडी इंस्पेक्टर आए थे, इनका नाम है मुकेश पाल सिंह, उनसे शिकायत की, उन्होंने कहा पूरे मुरादाबाद को बुला लो, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी पार्टी का जिला सचिव हूँ समाजवादी का, मैंने कहा मैं धरने पे बैठ जाऊंगा अगर आपने ये नहीं करा तो, बोले पूरी समाजवादी बुला लो तो भी कुछ नहीं होगा आपसे, ये धमकी देकर गए। मैं चाहता हूँ कि इसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो और जो ये एक ऐसी चीज है कि आदमी से जीवन से जुड़ा हुआ रोजगार है, यही सब्जी हर एक इंसान की रसोई में जाएगी, फिर इसे इंसान खाएगा, इससे बीमारी फैलने का खतरा अगर ये गंदा पानी इस मंडी से बाहर नहीं गया। नुकसान तो आज प्याज से लेके आलू से लेके सब्जी से लेके तमाम, अब वीडियो आप देख लेंगे हमारे पास भी, आप बना ले, सब पैर गई, कोई कारोबार नहीं हुआ या तमाम नष्ट हो गया कारोबार।